माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहनें बहुत अच्छी होंगी और अपने घरों में पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और एज़ यूजुअल मेरी दुआ आप सब के साथ। और यहाँ पे मैं अपना जो व्लॉग है वो उस दिन के बाद से स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब आपको याद होगा कि मैंने जो है वो इस वक्त रात के 7:09 बज रहे हैं और मैंने जो वो फ्राइडे को पकौड़े बनाए थे और बेसन जब वो बहुत ज़्यादा मैंने मिक्सचर तैयार कर लिया था, तो कुछ जो बाकी का मिक्सचर था वो मैंने इस तरह से एक कंटेनर में डालकर उसको फ्रिज में रख दिया था। और अभी ये सेकंड डे मैं वही वाला जो बेसन है वो यूज़ करते हुए इसके पकौड़े बना रही हूँ। रात का टाइम है, मुझे भूख लग रही थी तो मुझे एकदम से याद आया कि मैंने तो उसका बैटर जो वो रखा था फ्रिज में, तो मैंने उसको निकाला जल्दी से और मैंने ये पकोड़े बनाए और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। क्योंकि देखिए, नॉर्मली जब हम लोगों को पकोड़े खाने को दिल चाहता है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पहले आप सारा कुछ तैयार करें, बैटर बनाएं। तो एकदम से जब ये मुझे रेडीमेड बैटर मिला, लाइक जो मैंने कल रख दिया था, तो मुझे बहुत ईजी लगा। बस मैंने पकौड़े निकाले, सॉरी बेसन निकाला और पकौड़े फ्राई किए और खा लिए। और कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये एक दिन पहले का बैटर तैयार किया हुआ, यानी बिल्कुल फ्रेश टेस्ट था, कुछ भी टेस्ट में तब्दीली नहीं थी। सो मैं जो है वो ये पकौड़े बना रही हूँ और बहुत ज़्यादा मैंने जो है वो इसको इन्जॉय किया। अगर कभी ऐसा हो ना, आप कुछ भी ऐसा बच जाए तो आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं। मतलब पहले मुझे इस बात का आइडिया नहीं था, मुझे लगता था कि अगर एक चीज़ ज़्यादा बन गई तो मतलब वो ज़ाय हो जाएगी, वो वेस्ट हो जाएगी, लेकिन नहीं, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था तो ये सेकेंड डे भी वैसा ही फ्रेश जो है वो इसका टेस्ट था। तो ये बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। वेल, यहाँ पर मैं आप सब सिस्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मेरी तमाम सिस्टर्स जो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर इतनी अच्छी अच्छी दुआएं देते हैं, उसके लिए मैंने आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया बोलना था। थैंक यू वेरी मच, आप लोग बहुत अच्छे हैं, इसी तरह से बस मेरे साथ रहिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे आपके मैसेजेस पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, चाहे आप बहुत ज़्यादा लंबे लंबे कमेंट्स लिखते हैं, मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है उनको पढ़ना। तो आप लोग कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैं आपके कमेंट से बोर होती हूँ, क्योंकि कुछ सिस्टर्स हैं वो ऐसे बोलती हैं कि आप जो है वो बोर हो जाएंगे हमारे कमेंट से, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप सबके कमेंट्स बड़े प्यार से पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप सबको रिप्लाई करूँ, लेकिन अगर कभी कोई रह जाए, गलती से कोई भी कमेंट मिस हो जाए, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं जानबूझ के मिस नहीं करती। कभी कभी जो है वो जो कमेंट्स हैं वो हाइड हो जाते हैं, आई डोंट नो वाई, लेकिन जब वो मैं उनको रिप्लाई नहीं कर सकती, सो उन सिस्टर्स से माजरत चाहती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप सबके एक एक कमेंट का रिप्लाई करूँ। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग इसी तरह से प्यार से मेरे साथ रहिएगा और मेरी इस छोटी सी दुनिया में मुझे अपने होने का एहसास दिलाते रहिएगा। तो ये देखिए, पकौड़े मेरे फ्राई हो गए हैं, अभी मैं इनको खाऊँगी। नेक्स्ट डे की वीडियो, और आज मैं बनाने जा रही थी करेले गोश्त। तो मैं इसकी रेसिपी पहले लोगों के साथ बहुत मरतबा शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने रेसिपी तो रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन बस आप लोगों के साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मेरे आज के मेन्यू में क्या था। तो आज के मेन्यू में मेरे पास है करेले गोश्त, करेले मैंने फ्राई कर लिए हैं और एज़ यूजुअल साथ में थोड़ी सी प्याज फ्राई की है मैंने, आटा मैंने रख दिया, इसको मैंने अभी गूंदना है। और यहाँ पर जो मैं सबसे पहले अपनी हंडिया मुकम्मल करूँगी और उसके बाद मैं जल्दी से आटा गूंद लूँगी। तो ये करेले जो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, तो मेरा जो सालन है वो तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और अभी मैं जल्दी से आटा गूंद लूँगी और फिर मैं भाई के लिए और बाबा के लिए खाना बना लूँगी।
फ्रेंड्स, आज मैंने बनाए हैं ये चाइनीज़ राइस जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं, और इसकी रेसिपी मैंने इस वीडियो के एंड पे शेयर की है। अगर आप लोग को इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ जाइएगा कहीं मत, स्टे ट्यून्ड। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी और फ्रेश सब्ज़ी है, ताज़ा शलजम और ताज़ा मूली जो कि बहुत ज़्यादा दिखने में भी प्यारी लग रही है, और ज़ाहिर है इसका टेस्ट बहुत अच्छा है क्योंकि जितनी ताज़ा और फ्रेश चीज़ होती है वो टेस्ट में उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। सो मुझे बनाने हैं मूली के पराठे सुबह नाश्ते में, इसके लिए मैं तैयारी करती हूँ, तो आप लोग भी आ जाइए। यहाँ पर मूली को मैंने कद्दूकश कर लिया है, अब मैं जल्दी से इसको तैयार करके रख लेती हूँ, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि सुबह नाश्ते में ये जो मिक्सचर है वो ठंडा हो जाए, और फिर फिलिंग करने के लिए पराठे में ये आसानी से उसमें जो वो ठहर जाएगा। और ये देखिए इतनी प्यारी प्यारी सी ग्रीन चिलीज हैं, बारीक बारीक सी और बहुत ज़्यादा कड़वी कड़वी सी, और ये मैंने इसमें डाल दी हैं, और फिर मैं इसमें जो वो सब्ज़ धनिया डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से टेस्ट आएगा। वो ये धनिया डाल देती हूँ मैं, और चलिए जी इसको रख देते हैं हम चूल्हे पर। जब इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा तभी रेडी हो जाएंगी, मतलब जब घी अलग हो जाएगा तो मतलब कि ये रेडी है। जब तक इसका पानी है आपने इसको चूल्हे से नहीं उतारना, मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ शायद, तो अभी इसमें जब बहुत सारा पानी है इसलिए मैं इसको भी नहीं उतारूँगी, हल्के आँच पर रख दूँगी। पानी जब वो खुद से खुश्क हो जाएगा और फिर जो मैं इसको चूल्हा बंद करके रख दूँगी। और मेरे बैकग्राउंड में जो आपको बच्चों की आवाज़ आ रही है, हमारे नेबर्स हैं, हमारा बहुत साथ साथ में है ये, तो उनकी आवाज़ ऐसे आती है जैसा कि वो मेरे घर पे ही हैं, तो ये बच्चों की आवाज़ आपको सुनाई देती रहा करेगी। जी ये तो अभी हो जाएगा रेडी, मैं चलती हूँ अब रूम में क्योंकि मुझे नींद आई है, काफ़ी देर से सोना चाह रही थी, तो अभी मैं जाकर सोती हूँ, मिलती हूँ आपसे सुबह को। चाइनीज़ क्योंकि भाई ने ऑर्डर किया है कि आज चाइनीज़ बनाऊं, तो अभी मैं उसकी तैयारी करने जा रही हूँ। इसमें वेजेस भी जाएंगी और चिकन भी जाएगा, तो मैं जल्दी से मैंने जो वो चिकन लिया है, चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है, और इसमें जो हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और मैं इसमें जो वो ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, और फिर मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च। इसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च आएगी, इसके अलावा इसमें और कोई भी आप मसाला ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उससे टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसका जो गैस है वो ऑन कर दिया है, और अभी हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि स्पाइसेस जो है वो मिक्स हो जाएं और अदरक लहसुन जो है मिक्स हो जाए, और फिर जो है वो मैं इसका ढक्कन बंद कर दूँगी और इसको छोड़ दूँगी गलने के लिए, क्योंकि मुझे चाइनीज़ में श्रेडेड चिकन चाहिए। आई एम सो सॉरी, बच्चों की आवाज़ बैकग्राउंड में है, ये हमारे नेबर्स के बच्चे, मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुकी हूँ। ओके, मैंने ये बंद कर दिया, इसको हम जब वो गलने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने अपनी वेजेस काट ली हैं जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसको मैंने रख दिया है, काट कर चुका है, और अभी हम इसको श्रेड कर लेंगे। मैं इसी तरह से मैंने हाथ अच्छे से वॉश कर लिए हैं, और हाथ की मदद से आप इसको जो है वो इनके जो चिकन के जो पीसेस हैं इनको बोन से अलग करते जाइए, और अच्छे से इसको आप जो है वो श्रेड कर लीजिए। तो यहाँ पर चिकन को मैंने अच्छी तरह से श्रेड कर लिया है, ये देखिए अच्छे से चिकन जो है वो श्रेड हो चुका है, और साथ में ये वेजेस हैं, और कुछ हमें ग्रीन चिलीज चाहिए होंगी, और ये देखिए यहाँ पे टमाटर सॉरी गाजर, शिमला मिर्च, आलू और मटर, और जो राइस है वो मैंने भिगो कर रख दी है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये प्याज, एक दरमियानी साइज़ का प्याज लेना है आपने, इसको आपने हल्का सा पिंकिश ब्राउन करना है, इसको आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना क्योंकि अगर ये ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा तो आपके जो राइस है उनका कलर ख़राब हो जाएगा, हमें इसका कलर ख़राब नहीं करना, सो यू हैव टू बी केयरफुल। और ये देखिए ये जो तैयारी मैंने कर ली है, एक्चुअली इसके पकाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना कि इसकी सब्ज़ी वगैरह और ये सारी चीज़ें तैयार करने में टाइम लगता है, सो बस ये जो है वो सब कुछ मैंने तैयार कर लिया है। अभी जो है वो जल्दी से हम अपने राइस, चाइनीज़ राइस
बना लेते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें जो ग्रीन चिलीज़ हैं इनको मैं रफली काट के तो प्याज में ऐड कर दूँगी। बस इस तरह से रफली आप इसमें काट दीजिए। और ये देखिए साइड से थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन होने लगे हैं, जल्दी से मैं इसको काट देती हूँ और फिर मैं इसमें अपनी वेजेस ऐड कर लूँगी। अभी हम इसमें ऐड करते हैं अपनी वेजेस और ये मैंने इसमें डाल दी हैं और थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लूँगी और उसके बाद हम इसमें अपने स्पाइसेस डालेंगे। और मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मुझे स्पाइसेस में क्या क्या ऐड करना है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मैं इसमें स्पाइसेस डाल रही हूँ और ये मैंने इसमें डाल दी है ब्लैक पेपर और फिर मैं इसमें डालूँगी चाइनीज़ सॉल्ट। अच्छा, कहते हैं चाइनीज़ सॉल्ट जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता। ये मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है, नॉर्मल सॉल्ट। तो एक्चुअली जो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके लिए ज़ाहिर है होगा ये हार्मफुल, लेकिन हम लोग बहुत कम कभी कभार, जैसे कि मैंने काफ़ी टाइम के बाद चाइनीज़ बनाए हैं तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, अदरवाइज़ नॉर्मली हम लोग चाइनीज़ सॉल्ट नहीं यूज़ करते। सो अभी मैंने इसमें जो वो श्रेडेड चिकन भी ऐड कर दिया है। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद हल्का सा पानी लगाऊंगी और फिर मैं इसका ढक्कन बंद कर दूंगी ताकि हमारी जो वेजेस हैं वो अच्छे से जो है गल जाएं। और फिर हम अगला स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करने वाली हूँ। और आपको पता है क्या हुआ, ये देखिए रात को रोटी बनाते बनाते जो मेरा बाजू है वो जल गया एकदम से, जब मैंने रोटी तवे पर डाली और बाजू जल गया। और ये देखिए एक दफ़ा हाथ जला था और अब बाजू जल गया। एनीवेज यहाँ पर ये देखिए मैंने इसमें अब जो है वो ये बंद गोभी भी ऐड कर दी है क्योंकि वो मैंने एकदम पहले से ऐड नहीं की थी वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती। तो अभी मैं जो थोड़ी देर के बाद इसमें जो है मैंने बंद गोभी ऐड की है, फिर थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फिर इंतज़ार करेंगे कि हमारे आलू और मटर जो है वो मतलब तमाम वेजेस जो है वो गल जाएँ। पर देखिए पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया, जो मैंने थोड़ा बहुत पानी लगाया था कि मेरी वेजेस जो वो गल जाए। सो अब मैं इसमें पानी ऐड करने जा रही हूँ, जैसा कि नॉर्मली हम लोग पुलाव या कुछ भी बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए पानी ऐड करते हैं, उसी तरह से चावलों के हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी में बॉयल आने लगेगा तो इसमें हम अपने राइस ऐड कर देते हैं। इसमें जल्दी से अपने सारे राइस ऐड कर देती हूँ। और चावलों का जो पानी है वो खुश्क हो रहा है, अभी हम इसको दम पे लगाएंगे। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे क्वांटिटी का ख्याल रखने की समझ ही नहीं आ रही है। मैं बहुत ज़्यादा बना देती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, जैसे कि उस दिन मैंने पकोड़े बनाने थे, बैटर बहुत ज़्यादा बना दिया, आज मैं चाइनीज़ बना रही थी और बहुत ज़्यादा राइस जो मैंने भिगो दिए, बट इट्स ऑल राइट।
इष्ट तो नहीं होने दूंगी, जाहिर है मैं नेबर्स के यहाँ भी भेजूंगी और नादिया लोग भी होते हैं उनके घर भी, लेकिन फिर भी ख्याल करना चाहिए, मतलब सोचना चाहिए, हमें इस तरह से फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। बट इट्स ओके, आई विल बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। खैर, यहाँ पर मैंने जो वो 3 अंडे बीट किए थे उनको मैंने नमक और काली मिर्च के साथ अच्छे से बीट कर लिया था। इनको मैं जल्दी से जो वो इस तरह से फ्राइंग पैन में डाला है और मैं इनको ऑमलेट बना लेती हूँ, सिंपल ऑमलेट बनाकर फिर इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे साथ ही बनाते बनाते, और वो हम ऊपर रख कर राइस के ऊपर, तो फिर हम इसको जो है वो दम पर लगा देंगे। इस तरह से इस ऑमलेट को मैं इसी फोर्क के साथ अच्छे से ऐसे छोटे छोटे से पीसेस कर लेती हूँ और फिर मैं इसको राइस के ऊपर रख कर तो हम इसको दम पे लगा देंगे। और ये देखिए हमारे मज़ेदार चाइनीज़ राइस रेडी होने जा रहे हैं, और ये मैंने इसके ऊपर रख दिया और अभी हम इसको दम पे लगा देते हैं। हमारी राइस जो है वो किस तरह से बने हैं। यहाँ पर देखिए हमारे मज़ेदार चाइनीज़ राइस रेडी हो गए हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं इससे। मैंने एक बॉयल्ड एग जो वो जिस तरह से मैंने आपको ऑमलेट का बताया है, आप ऑमलेट की जगह सिर्फ बॉयल्ड एग भी रख सकते हैं छोटे छोटे से पीसेस में काट कर, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ऑमलेट भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने जो वो दोनों आइटम ऐड किए हैं, लाइक ऑमलेट भी और बॉयल भी। तो ये भाई की प्लेट है, मैं भाई को देकर आती हूँ क्योंकि भाई को चाइनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं भाई को जल्दी से देकर आती हूँ और फिर उसके बाद मैं ख़ुद से खाऊँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह से मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।